छोटू भैया नेता ने अश्लील क्लिपिंग बनाकर अपनी ही पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को एक साल तक हवस का शिकार बनाया है। बलात्कार के दौरान गुप्तांग पर काटने से महिला जख्मी भी हो गई। महिला की शिकायत पर गणेशपेट पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर छोटू भैया नेता की खोज आरंभ की है। आरोपी पंकज ऋषि सिंह खिंची नाइक तालाब लालगंज पाचपावली है। पंकज खिजी पुराना अपराधी है, उसके खिलाफ हत्या का प्रयास तथा दूसरे मामले दर्ज है। वह राजनीतिक पार्टी की आड़ में हफ्ता वसूली और दूसरे अपराध करता है। उत्तर नागपुर के कई अपराधी उससे जुड़े हैं। पीड़ित 39 वर्षीय विवाहिता उसकी पार्टी की पदाधिकारी है। सितंबर 2023 को विवाहिता का जन्मदिन था। जन्मदिन की बधाई देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में पंकज भी जुड़ा था। उसने ग्रुप से मोबाइल नंबर देकर पीड़िता को फोन किया। विवाहिता की 12 साल की बेटी मतिमंद है। उसने पंकज को बेटी की परवरिश में परेशानी बताई। पंकज ने बेटी को सरकारी मदद दिलाने का झांसा दिया। 14 अक्टूबर 2023 को पंकज ने विवाहिता को गणेशपेट में मिलने के लिए बुलाया। वहां एक होटल में ले गया, कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई। इसके बाद जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान क्लिपिंग भी बना ली। यह घटना किसी को बताने पर क्लिपिंग पति को बताने तथा वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद पंकज जब भी मौका मिलता विवाहिता को अपनी हवस का शिकार बनाता था। पंकज से रिश्तों का पता चलने पर विवाहिता को पति ने भी छोड़ दिया। वह पंकज को लेकर काफी भयभीत रहने लगी। 23 जुलाई को पंकज पीड़िता के घर गया, वहां उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर उसने पीड़िता के गुप्तांग को काट दिया। विवाहिता जख्मी हो गई। यातना से त्रस्त होकर उसने सोमवार को पाचपावली थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। शोषण की शुरुआत गणेशपेट के एक होटल से हुई थी। पाचपावली पुलिस ने उसे गणेशपेट में शिकायत दर्ज कराने को कहा। पीड़िता की शिकायत पर गणेशपेट पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया। भनक लगते ही पंकज फरार हो गया। गणेशपेट पुलिस स्टेशनला 349/2024 या क्रमांकाने एक FIR दाखल झालेली आहे। यामध्ये पंकज ऋषी सिंग खिच्ची नावाच्या इस्माविरुद्ध एका महिलेने तक्रार दिलेली आहे। त्या महिलेवरती त्याने अत्याचार केल्याचे त्यामध्ये नमूद आहे। यामध्ये नवीन भारतीय न्याय संहिता जी कलम 64(2), 118(2), 351(2) अन्वये हा गुन्हा दाखल झालेला आहे। 2023 पासून हे प्रकरण सुरू होतं असं महिलेचं म्हणणं आहे। आणि त्या महिलेला तिचे फोटो काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देऊन त्यांनी हे अत्याचार केल्याची माहिती महिलेने दिलेली आहे। आरोपीचा शोध आम्ही घेत आहोत। आरोपीला अटक केल्यानंतर आणखी यामध्ये तपासामध्ये प्रगती होईल। आरोपी एक कार्यकर्ता आहे, सामाजिक कार्यकर्ता। आम्ही आत्ता तपासामध्ये कुठल्याही प्रकारची जास्त माहिती रिव्हील करू शकत नाही आहे। प्राथमिक स्टेजला हा तपास आहे, त्यामुळे आत्ता आम्ही तपासामध्ये जास्त काही माहिती देऊ शकत। आरोपीचं पूर्व रेकॉर्ड आम्ही तपासून पाहत आहोत। अद्यापर्यंत आम्हाला कुठलं पूर्व रेकॉर्ड असल्याची माहिती मिळालेली नाही। 135 गुन्हा दाखल आहे अशी माहिती मिळाली, आम्ही ते व्हेरीफाय करतोय। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।